मुरादाबाद के पागवाड़ा पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से सैमसंग कंपनी के 7 मोबाइल फोन, 2 लोहे की आरी, 2 चार्जर, 1 तमंचा बरामद किया है। एसपी सिटी ने किया खुलासा, बता दें कि पागवाड़ा पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। अमित कुमार आनंद ने बताया कि पागवाड़ा पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूट के 7 मोबाइल फोन, सैमसंग कंपनी के 2 लोहे की आरी, 2 चार्जर, 1 तमंचा व अन्य सामान बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी इंतेसाफ फरार चल रहा है, उसे भी पागवाड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें जो शुएब जो है, ये अभी भी बता रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और दूसरा जो अनस है वो 8वीं क्लास पास है और अभी गाड़ी चलाने का काम कर पैसे के बहकाव में आगे। हाँ, जो नए उम्र के लड़के हैं और जो इनको लालच दिया गया कि तुम्हें मोबाइल और पैसे की पूर्ति मैं करूँगा, उसके साथ वो लड़के और इंतजार इन लोगों ने मिलकर ये सारी कार्रवाई करी। इसमें जो इंतजार है, जो रामपुर का रहने वाला है, इस समय फरार है, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किया। इनके पास से क्या क्या जिस प्रकार इनके पास से 7 मोबाइल फ़ोन, 2 मोबाइल चार्जर, 2 आरी प्लेट लोहे की, साथ ही 2 चांदी के सिक्के, अंगूठी, लौंग, जो पीली धातु है, ओम का जो पेंडेंट है, गले की चेन सोने की, साथ ही 1 तमंचा 12 बोर और 1 जिंदा कारतूस 12 बोर, इन सबके पास से बरामद किया गया है। और जो घटना में जो कुंबल लगाने के लिए हथौड़ा और संबल प्रयोग करते थे, वो भी उनके पास से बरामद किया गया। पारिवारिक की हिस्ट्री कैसी है इनके परिवार में? अभी बाकी सब इनके बारे में जानकारी दी जा रही है। ठीक।